हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने। और आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि छोटी दिवाली है, तो आप सभी को एडवांस में छोटी दिवाली की एंड बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के लिए और आपको दिखाती हूँ कि मैं आज शॉपिंग में क्या क्या लेती हूँ। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है जैसा कि हर बार दिखाई देता था। तो मैं आई हूँ बीकानेर और दिए वगैरह तो मैंने कल ले लिए थे धनतेरस के दिन ही। स्वीट्स मैंने नहीं लिए थे, इसलिए स्वीट्स लेने के लिए मैं यहाँ बीकानेर में आई हूँ। और बीकानेर में तो थोड़ी भीड़ हमें दिख रही है, काफ़ी लोग स्वीट्स लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलिए मैं भी देखती हूँ कि स्वीट्स में क्या क्या है और आप सभी को भी दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल्स हैं, और उसके बाद मैं अपना स्वीट्स लेती हूँ।
फाइनली गाइज, इतनी भीड़ भाड़ से मैंने ले लिया है लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। और प्रसाद में मोस्टली हम मोतीचूर के लड्डू ही चढ़ाते हैं गणेश और लक्ष्मी जी को, तो हमने लिया है मोतीचूर के लड्डू। और कल मैं लेके गई थी रस भरी, जो पिंक कलर की आती है, तो वो मैंने कल स्वीट्स ले लिया था। और दो तीन स्वीट्स पहले से ऑलरेडी हैं, तो मुझे मेन आज जो लेना था वो यहाँ से बीकानेर से मोतीचूर के लड्डू ही लेने थे, तो मैंने ले लिया। और ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा आज फास्ट फूड खाऊंगी। और ये है सोया चाप, फेवरेट मेरी प्लेस है, यहाँ पे मैं 1 ईयर से खा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा सोया चाप बनाते हैं, सेक्टर 18 में है ये, तो बहुत अच्छा सोया चाप इनका लगता है टेस्ट में। सेक्टर 18 नोएडा में है। और चलिए आज मैं आप सभी को भी दिखाऊंगी कि ये सोया चाप बनाते कैसे हैं और इनका प्रोसेस पूरा क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स चेक आउट। और ये अभी यहाँ पे ये सेक रहे हैं सोया चाप, जो है टिक्के की तरह से इसको सेक रहे हैं। और सेकने के बाद ये कैसे बनाते हैं अभी ये देखेंगे हम, तो पहले ये अच्छी तरीके से सेक लेते हैं, फिर मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि ये मसाला है ना, ये मसाला चाप कैसे बनाते हैं। ये अब स्टार्ट कर रहे हैं बनाना सोया चाप। और ये इस तरीके से बनाते हैं, पहले क्या अनियन डाला है काट के, अब सोया चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। भैया छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं करना। मसाला चाप फुल खाना है वहाँ कस्टमर का है। मजेदार बनाना। और देखते हैं आप क्या डालते हैं इसमें, चाट मसाला भी है, चाट मसाला डाल रहे हैं। ये चिली, चिली का पेस्ट है। ये क्या है भैया, क्रीम डाल रहे हैं। और ये क्या है, ग्रेवी किस चीज का, मगज का जी, मगज का। अच्छा, काजू और मगज का ग्रेवी बना के रखते हैं, इसको भून के रखते हैं भैया आप। अच्छा, उबालते हैं फिर भूनते हैं इसको। ओके, उबाल के भून के। ओके, ये इन्होंने अब पैक कर दिया हमारा सोया चाप, और ये हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे इसे। तो ये रेडी है, एक मिनट में दिखा दूँ जरा अपने व्यूअर्स को, ये है सोया चाप। अब आप पैक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने ले लिया अपना सोया चाप और इसे हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, हमारी शॉपिंग हो गई स्वीट्स की, और बाकी चीज़ें मैंने कल धनतेरस पे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, मैंने परचेज कर ली थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, और अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली बार न्यू डेस्टिनेशन पर फिर मिलूंगी। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।